कितने बजे लाइन में लगे थे? हम 10 बजे सुबह 10 बजे लगे थे। तो सर सुबह 10 बजे लगे थे और अब टाइम हो चुके, हम पूछ रहे हैं तो सबकी मैक्सिमम स्टेटमेंट सबकी अलग है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। जी हाँ, हम कल रात को सीधा बद्रीनाथ आ गए थे। यहाँ पे हमने स्टे किया, यहाँ पे होटल राधा कृष्णा। और नमस्कार। तो यहाँ पे भैया मिलेंगे। भैया जी, आपका नाम? अजय। होटल राधा कृष्णा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे? ये नियर न्यू बस स्टैंड। हाँ, यहाँ पे सर मिलेंगे और आपको रूम दिखा देता हूँ मैं, किस तरीके के रूम है यहाँ पे। मैं इस तरीके का, ये हमारी सारी फैमिली अभी पैकिंग में चल रही है। ये खड़ी अपनी स्कूटी। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो अपना जैकेट वगैरह कैरी करके लाएं। और चार धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ। जी हाँ, भगवान विष्णु जी का, हम वहीं पहुँच गए। और तीर्थ यात्री आप देख रहे होंगे काफ़ी हैं। अभी हम यहाँ से सीधा नहा धो के फ्रेश हो गए, अब सीधा चलेंगे हम मंदिर, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। और सुबह के नज़ारे देखो यार, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये हमारी नदी बह रही है अलकनंदा, और ऊपर चोटियों पे बर्फ ही बर्फ। तो कल रात को काफ़ी थक गए थे। एक तो हमारे जो ट्रैक था वो आपको पता ही है, 22 किलोमीटर्स का करके आए, तो हालत थोड़ी खस्ता तो हो गई थी यार। बस उसके बाद फिर आते ही इतने थके हुए थे कि आते ही इतनी गहरी नींद में सोए। सुबह उठे 9 बजे उठ के नहाए धोए, फ्रेशन अप हुए, अब मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और तो अभी चलते हैं मंदिर। ज़्यादा सेवा करते रहते हैं इधर, इन्होंने भंडारा लगा रखा है फैमिली ने। अभी हम भी आलू पूड़ी का भंडारा खाते हैं। और बोलो बद्री विशाल की जय। तो हमने अपना आलू पूड़ी का प्रसाद ले लिया है। और एक चीज़ और, आप लोग कभी आओ तो मंदिर जो है दिन में 1 बजे बढ़ा दिया जाता है, और फिर 3 बजे मंदिर को दोबारा खोला जाएगा। तो आप कभी भी आओ तो टाइम देख के आना उस हिसाब से, क्योंकि रीज़न क्या है, कई बार लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जैसे कि अभी लाइन यूँ लगा लो आप, तकरीबन 1/2 किलोमीटर लंबी है, तो उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1.5 भी लग सकता है। तो इस वजह से आप टाइम देख के आएँ, 1 बजे से थोड़ा पहले कोशा। तो जैसे आप मंदिर की तरफ आओगे तो आपको एक यहाँ पे टोकन काउंटर है, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना ये जो बैंड था, जो हमने ये बैंड लिया था नीचे से, जो हमने बनवाया था, इसको स्कैन करके ऐसी है कि ये स्लिप, ये इस तरीके की स्लिप मिलेगी, ये टोकन है, उसके बाद ही आपकी एंट्री है। तो आप जब भी कभी आओ तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये टोकन लेना है और फिर लाइन में लगना है, उसके बाद आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये जो स्लिप होती है, ये हमारी चारों धाम यात्रा की होती है, और प्लस हेमकुंड साहिब की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसके बाद आप चार धाम यात्रा इजीली, ये ऐसे टोकन हर जगह बन रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे आके बनवाएं और अपनी यात्रा चालू करें। तो जस्ट आपने हम देख रहे हो वो है मंदिर, और इस तरीके से ये लाइन लगी हुई है। ये पूरी लाइन तकरीबन आप यूँ लगा लो काफ़ी पीछे तक चली जाती है। और तो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुंड बनाया जा रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहाँ पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए प्रॉपर पूरा कुंड कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़ोरों शोरों पर है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नई बनाई जा रही है, बहुत शानदार, हमारी सरकार के द्वारा। ये हमारी अलकनंदा नदी। मंदिर के आगे हैं अभी, और मैं सर से पूछता हूँ, सर आप कितने बजे लाइन में लगे थे? हम 10 बजे सुबह 10 बजे लगे थे।
तो सर सुबह 10 बजे लगे थे और अब टाइम हो चुका है 12, तो सर को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं लाइन में लगे हुए और अभी तक ये आलू खड़े हैं, इनका नंबर नहीं आया है। तो आप रश का अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा है। और एक चीज़ और, आप यहाँ पे किसी से पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, तो सबकी मैक्सिमम स्टेटमेंट सबकी अलग है। कोई कह रहा है कि 1 बजे बंद होगा, कोई कह रहा है 12 बजे बंद होगा, 3 बजे खुलेगा, कोई कह रहा है 2 बजे खुलेगा। तो वो ये मोस्टली सबकी स्टेटमेंट्स अलग है, तो एग्जैक्टली वही है, पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। अभी देखते हैं एक दो जनों से और यहाँ के स्टाफ से पूछ के देखते हैं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो इस तरीके से यात्री सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, जहाज में भी दर्शन होंगे और पता नहीं मंदिर कितने बजे बढ़ाएंगे, तो देखो इनके दर्शन हो पाएंगे या इनको स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे, लाइन में लगे रहना पड़ेगा दोबारा से। तो आप जैसे सामने मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के इधर ये भी एक टोकन का काउंटर है, यहाँ पे भी आप अपना बार कोड स्कैन करा के या आपके पास जो फ़ोन में टैक्स आया है उसके थ्रू या अपना आधार कार्ड दिखा के आप अपना यहाँ से टोकन ले सकते हैं मंदिर के लिए। आएंगे आपको इस तरीके की यहाँ पे ये लोकल जैकेट्स वगैरह काफ़ी देखने मिलेगी, बच्चों की भी है, बड़ों की भी है और ये कैप्स भी है जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस है। सर इनकी क्या कीमत होगी कैप की? 250 रुपये। ये टोपी हमारे पास है, तकरीबन 250 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। हमको हमारी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। ये सुन रहे हो आप इसकी स्टेटमेंट, इसके फ्रेंड ने इसको गिफ्ट की, हमारे कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए हमको खुद ही लेनी पड़ेगी। हमारे दोस्त को भी गिफ्ट कर दी थी साथ में। अच्छा, हाँ तो इसकी फ्रेंड जी बहुत अच्छी है, क्या कर सकते हैं, हर किसी को ऐसा फ्रेंड नहीं मिलता है। तो भाई आप कभी इधर बद्रीनाथ आओ और आप अपने सर्दियों के कपड़े भूल जाओ तो भाई के पास आ जाना, भाई के पास काफी जैकेट और कोट्स वगैरह है और बहुत अच्छे दाम पे दे देंगे। 3 hours later और हमने यहाँ पे ये 100 रुपये का प्रसाद इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे ही पुल पार करेंगे यहाँ पे प्रसाद और अपने जो जूते चप्पल है वो यहीं इतना रखवा दिया है और जस्ट प्रसाद लेके और अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लाइन में लग चुके हैं और इस टाइम अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम भीड़ है, जैसे दिन में तो बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन यूँ लगा लो आप आपका नंबर 2 घंटे में आता पर मात्र 10 मिनट के अंदर आपका 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं जस्ट अंदर सामने टेंपल है बद्रीनाथ धाम और बस हम चल दिए हैं, लाइन में लग गए हैं, तो यूँ लगा लो हम 10 मिनट के अंदर पहुँच गए हैं मंदिर के द्वार। देखो जय बद्री विशाल और हर तरफ देखो आप फुल भीड़ हो रही है टोटल और हम दोनों ब्लॉगर भाई, हम दोनों ब्लॉगर यस पड़े हैं। तो तकरीबन आप क्यों लगाओ अगर 3 बजे के बाद अगर आप आते हो लाइन में लगते हो तो आपको थोड़ा सा रश कम मिलेगा इधर। तो भाजी भी आ गए हमारे साथ, भाजी हमारे साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पे थे, साथ में ही चढ़ाई करी थी हमने और बद्री विशाल पे भी हम साथ ही आ गए भाई सारे, पूरी टीम कल हमारे परसों करी थी ट्रैकिंग, परसों हमारे साथ थे बिजनौर से है सब भाई और आज भी कोइंसिडेंसली हमको यहाँ धाम पर मिल गए हैं दोबारा। तो बहुत ज़्यादा है रश हो रखा है बहुत ही ज़्यादा, बस लाइन में लगे हैं जल्दी दर्शन होंगे। क्या कहा ये छोटी बंदरिया बैठी है, बोलो जय जय, बोलो जय, इसमें बोलो देखो इसमें देखो देखो इसमें बोलो जय जय। बहुत ज़्यादा ये लगा लो यात्री आए हैं, श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा है, पीछे तक भीड़ भी
मंदिर परिसर, ये हमारे बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल। तो आप बद्री विशाल जी के दर्शन करने आए, तो साथ में लक्ष्मी माता का मंदिर है, तो यहाँ भी दर्शन मत्था टेके ज़रूर करें। और ये आरती की लाइन लगी हुई है इस तरीके से, ये सारी। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत ही शानदार दर्शन हुए। और आगे आने वाला जो प्रोजेक्ट बद्रीनाथ के अंदर जो है वो इस तरीके का है, ये आप देखिए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। इस तरीके से आप ये लगा लो, ये घाट और ये पार्क फील्ड, इस तरीके से आने वाले कुछ समय में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से आप ये पिक्चर देख रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है ये। ये आप नीचे देख रहे हैं उधर सामने, ये है गर्म कुंड, गर्म पानी का। यहाँ पे आप आके स्नान कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। तो जस्ट अभी हमने फ्यूल अप करवाया है, अभी 340 रुपये का फ्यूल आया है। दोबारा हम यहाँ से बद्रीनाथ हुए हैं और वापसी आ गए हैं। तो बस अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जोशी मठ, और आगे की ओर निकल रहे हैं, यहाँ तो स्टे नहीं कर रहे हैं। आगे देखते कितना जाया जाएगा हमसे, वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि अगर कल का दिन भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तकरीबन यूँ लगा लो 400 किलोमीटर के आसपास। तो इसलिए सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, कि कल के लिए हमको फिर उतना डिस्टेंस कम पड़ेगा।